पवित्र भूमि है। मैं महानगर के निवासियों को मैं नमस्कार करता और भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने इस देश के भाग्य का फैसला करना है और आज मिलते हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने को हर क्षेत्र के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और हरियाणा के साथ साथ महानी हमने राज्यों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। एक महानगर से आ रहे हैं ये युवा मोदी जी 405 सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो काम किए, जो गरीब की चिंता की है, ईमानदारी से की है, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। भाई नहीं कर सकता था, ये नरेंद्र मोदी है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब की चिंता की है। पूरे ध्यान में है, अगर हम इनको मीडिया के बंद की बात करें, भाई 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, परंतु भाइयों 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, गरीब नए हटी, गरीब को और गरीब करने का काम ये इन लोगों ने किया है। हम ये इस प्रकार की बातें करते हैं, अभी कांग्रेस के युवा भाई मांग करके बोलते हैं कि मैं एक घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई इस बात को भी हमें समझना है कि जो लोग 55 सालों के अंदर भाई गरीबी को खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा कानून का चिराग है कि एक घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाई इस झूठ से हमें बचना है, इस झूठ से हमें बचाना भी है। आज देश भाई सुरक्षित हाथों में आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, लगातार 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश मजबूती से आगे बढ़ा है। भाई हमारे ध्यान में है, ये दो हजार चौदह से पहले अगर हम देखें यहाँ से वापस जाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चाहे भाइयों यहाँ से केएमपी बना करके, चाहे केजीपी बना करके लोगों के लाशों को सुगम करने का काम ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए मजबूती से काम किया है, हर वर्ग को मजबूत करते हुए और उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, अब ये कौन